हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मेरा नाम चौहान दीपक भाई किशोर भाई है, जो गुजरात सरकार की जो हस्तकला सेतु योजना है उससे जुड़ा हुआ मैं, और ये पटोला के प्रोडक्ट और प्रोसेस कैसे होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी जो ये आप देख रहे हो वो प्लेन धागा आता है, जो सिल्क होता है, जो कीड़े में से बनता है ये धागा, और इसका प्रोसेस ये बनाने के बाद ये बनाया जाता है उसमें मार्किंग करके, जो मार्किंग होता है उसके हिसाब से उससे डिजाइन पड़ता है उसमें। ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्राफ के हिसाब से इसमें मार्किंग होता है, और मार्किंग करके सब में ये धागा बांधा जाता है उसमें, और धागा बांधने के बाद उसको डाइनिंग किया जाता है। जो डाइनिंग होता है, जो उसमें आपको ये कलर दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से डाइनिंग होता है, और ऐसे डिजाइन तैयार होता है, और ये डिजाइन तैयार होने के बाद ये प्रोसेस आगे होता है उसका दूसरा। अभी आपने देखा कि पूरा पहले ये पार्टी ऐसे तैयार थी, और उसके बाद ये मार्किंग करके जो उसमें बांधा जाता है वो धागा, उसके बाद ये पार्टी जो आप देख रहे हो ऐसे तैयार होती है। अब ये पार्टी तैयार हो गई है डाइनिंग के लिए, तो अब हम जाते हैं डाइनिंग की तरफ। वो डाइनिंग के लिए जो पार्टी हमने बताई थी ये कलर है उसका, जो येलो कलर है, और उसके बाद ये पार्टी में कलर होगा जो हम आपको दिखाएंगे ऐसे होता है। इसमें कलर डाला तो अब ये इसमें डालेंगे तो इसमें डाइनिंग हो जाएगा। अभी जो आपने देखा हमने कलर डाई किया, तो उसके हिसाब के जो भी आपको कलर करना है उसके हिसाब से आप कलर करते हैं, और ये कलर करने के बाद सूख जाने के बाद ये पार्टी तैयार है। इसमें जो आप इसमें ऐसे धागे सब खोलोगे तो इसमें डिजाइन हो जाएगा। अभी आपने देखा कि डाइनिंग हो गया, डाइनिंग होने के बाद जो पार्टी खुल जाती है उसके बाद ये सब डिजाइन हो जाती है इसमें, इसी तरह जो इस तरह से डिजाइन होके सब ये तार एक के साथ 40-50 तार होते हैं, सबको अलग अलग करना पड़ता है, और अलग अलग करने के बाद इसमें इस तरह से ये बॉबिन भरना आता है, और बॉबिन के बाद अब इसकी बुनाई होगी। अभी आपने देखा जो हमने आपको जो पूरा प्रोसेस बताया, अब कि ये बुनाई कैसे होती है अब मैं आपको एक दिखाऊंगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये मशीन, उसे हाथशाल बोलते हैं। हाथशाल में ये धागा बीम पे बिटोल के इसे बुनाई की जाती है इसमें सब, और ये उसमें तैयार किया हुआ है ये सब। और ये साड़ी दुपट्टा साल सब बनाने में मिनिमम सबका अलग अलग टाइम होता है, जो 5 दिन से लेके 2 या 3 महीने का रहता है। आपको ये बनाना है और कस्टमाइज करवाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम ऑल इंडिया में डिलीवरी करते हैं, और आपको चाहिए तो लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है और उसमें आप मंगवा सकते हो।